अभी जो थर्ड फेज का चुनाव है, जो बाकी 7 सीटें हैं लोकसभा की, उसके लिए हमारे सभी नेता प्रचार कर रहे हैं। 29 तारीख को राहुल गांधी जी का दौरा है, 30 तारीख को खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष जी का दौरा है और 2 तारीख को प्रियंका जी भी यहां पर आएंगी। तो छत्तीसगढ़ में लगातार पूरा फोकस हम लोगों का है और जो फीडबैक हमें मिला है सेकेंड चरण के बाद, बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जो भाषा का उपयोग कर रही है बीजेपी के नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, वो साफ संकेत है कि जो उम्मीद उनको थी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हर राउंड में भाजपा और एनडीए पिछड़ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम कैंडिडेट्स लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, और ये बहुत संतोषजनक बात है क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो कैंपेन है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस लगातार, जैसे मैंने पहले कहा, जिन जिन राज्यों में सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस का है वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और जो बौखलाहट मुझे देखने को मिल रही है, जो भाषण में शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मुस्लिम, हिंदू, इस तरह की बातें बार बार करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं एमएसपी की, मनरेगा की, महिला सशक्तिकरण की, वो लोग बात करते हैं विवादित मुद्दों की। तो हम लोग चाहते हैं कि 10 साल का जो आपका कार्यकाल रहा उस पर चुनाव हो। ये राष्ट्र का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और इसमें 5 साल तक आप जनता की सेवा कैसे करेंगे? और बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगता है कि आप 10 साल राज किया, आप 5 साल और मांग रहे हैं। और जो देश में नौजवान फौज में जाना चाहते हैं अग्निवीर के माध्यम से, उनको 4 साल दे रहे हैं। तो नौजवानों को 4 साल और खुद के लिए 15 साल, और बात कर रहे हैं 2047 की, तो ये बड़ा विरोधाभास है। इसलिए अभी जो कैंपेन चल रहा है, मुझे लगता है हमें उसी पे फोकस करना पड़ेगा, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, किसानों के, नौजवानों के। और देश बहुत गंभीरता से हर नेता की हर बात को सुन रहा है और सही निर्णय करेंगे। 4 जून को मुझे लगता है कि हमारी इंडिया अलायंस की सरकार का गठन होगा। ऐसे में भाजपा जो नेता है, भाजपा के एक विधायक है, उनका एक बयान आया है सार्वजनिक मंच पे, वो बोल रहे हैं कि जो धर्मांतरण करेगा। आप जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी बयान ऐसा आता है उसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए। हम लोगों ने लिखित में कंप्लेन दी कई बार, क्योंकि इस प्रकार की बातें करना धर्म की, जाति की, बिरादरी की, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं स्थापित नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले और मुद्दों की बात करें ना, खाद की, बीज की, बिजली की, तेल की, निवेश की, नौकरी की, उद्योग की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों पर चर्चा हो, संवाद हो, पता पड़े कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है। ये जो विवादित बयान जिस तरह के आते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाजपा की रणनीति में।